मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूरिया और राशन में कालाबाजारी को लेकर शिकायत आ रही है। कालाबाजारी और मिलावट खत्म हो, इसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। 1955 जिसमें जो वाहन करे उसको राजसात किया जा सकता है, हम वाहन राजसात करें। धारा 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, 6 साल तक निरुद्ध किया जा सकता है। खाद की कालाबाजारी के संबंध में धारा 31 फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 जिसमें विक्रेता का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और अगर कोई खाद सामग्री के कालाबाजारी में फर्जी दस्तावेज, फर्जी हस्ताक्षर वगैरह का उपयोग करता है तो ये जो भारतीय दंड विधान की धारा 465, 467, 468, 420 इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। और मिलावट के प्रकरणों में भी 49 से 59 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, इसमें जुर्माने का, भारी जुर्माने का प्रावधान है। आज कोई लंबी बैठक नहीं करनी होना, तर्क वितर्क करने दो ही निर्देश है। नंबर एक, व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें गुंजाइश ना बचे गलत करने की, और नंबर दो, इसके बाद भी कोई रास्ता निकाल के करता है तो फिर वो जेल जाना चाहिए, वाहन रास्ता होने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें UW को भी मैंने इसलिए बुलाया है कि मामला देखे, अगर कोई UW जहरीला के मामले बनते तो UW जांच करे थे कौन के पास से कहाँ गया और कैसे इधर उधर होता है, कौन इन्वॉल्व है। इसमें हमको सख्त कार्रवाई चाहिए भाई, साफ प्रशासन जनता को देना है। कलेक्टर SP से उनकी भी कॉन्फ्रेंस में करने वाला हूँ, इसमें से उसमें रखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।